नमस्कार दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम आज रवाना हो रहे हैं शंघाई के लिए। आपको आज मैं बुलेट ट्रेन का सफ़र करवाऊंगा और मैंने टिकट स्पेशली आप लोगों के लिए लिए है बुलेट ट्रेन दिखाने के लिए। यहाँ से हम शंघाई का सफ़र करेंगे बुलेट ट्रेन के थ्रू और आज सुबह 8 बज चुके हैं। तारीख है 9 सितंबर 2019। हमारी बुलेट ट्रेन 11 बजे की है और जब पहुंचेंगे आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूं अपने होटल के बाहर का, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, देखिए दोस्तों। ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है। हम ये होटल के बाहर आ गए हैं। ये हमारे होटल का व्यू है जिसमें हम रुके थे, इसका नाम है जुनवई होटल। ये देख लीजिए जुनवई होटल और ये सारी इंडियन मार्केट है, सब यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं। ये सब ये बाहर का दृश्य है। अब हम निकल रहे हैं बुलेट ट्रेन के लिए, टिकट हमने बुक करवा ली है। उसके बाद हम बोर्डिंग करेंगे शंघाई के लिए। ये है हमारी टैक्सी, हम चल रहे हैं अब टैक्सी में। निकल पड़े हैं हम बुलेट ट्रेन स्टेशन की तरफ, टैक्सी में बैठे हैं। तकरीबन 30 मिनट लगेंगे स्टेशन पहुंचने के लिए। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं बुलेट ट्रेन के स्टेशन पर। ये बाहर का दृश्य है, पहाड़ी इलाका है। ये सामने स्टेशन है, ये बाहर का दृश्य है। ये जो सामने दिख रहा है वो रेलवे स्टेशन है, वहाँ अंदर जाकर आपको दिखाते हैं क्या फैसिलिटी है अंदर। आइए चलते हैं अंदर। दोस्तों ये हम पहुँच चुके हैं चेक इन कराने के बाद वेटिंग एरिया में बुलेट ट्रेन के, और ये अंदर का दृश्य है। ये साइन बोर्ड है जहाँ से हमें टिकट का पता लगेगा। अभी हमारा टिकट का नंबर आया नहीं है क्योंकि हमारी ट्रेन 11 बजे की है। और ये देखिए, ये कोई ज़्यादा बड़ा हॉल तो नहीं है, छोटा सा ही है। यहाँ से बुलेट ट्रेन रवाना होगी शंघाई के लिए। ये एरिया है, वेटिंग एरिया है। जैसे जैसे जिस ट्रेन का नंबर आता जाता है वैसे वैसे लोग जाते रहते हैं, समय से पहले नहीं जाने देते। ये नीचे का दृश्य है जहाँ से हम आए हैं। अभी हमारी ट्रेन का समय नहीं हुआ है, हमारी ट्रेन 11:01 पर है। उसके बाद जैसा भी होगा ट्रेन आएगी फिर उसको दिखाया जाएगा। अभी फ़िलहाल वेट ही कर रहे हैं हम। ये सामने दोस्तों जो गेट देख रहे हैं, तभी आपको एंट्री मिलती है जब आपकी ट्रेन का नंबर आता है या इसका समय होता है, उससे पहले नहीं जाने देती है। उससे पहले आपको यहीं वेट करना पड़ता है। और आइए बैठते हैं थोड़ी देर की। दोस्तों ये आ चुके हैं हम प्लेटफॉर्म पर और ये देखिए, ये है बुलेट ट्रेन। ये हमारी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 11 की है, हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 10 है। ये देखिए ये सामने खड़ी है, इस टाइप में होती है बुलेट ट्रेन।
दोस्तों पहली बार मेरा भी सफ़र है और आपको भी पूरा एक्सपीरियंस करवाऊंगा, देखने का केवल, बैठने का नहीं, बैठने का एक्सपीरियंस केवल मेरा होगा। आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप ज़रूर आइए, बुलेट ट्रेन का लुत्फ़ लीजिए। दोस्तों मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ कि ये आपको दिखा सकूँ कि बुलेट ट्रेन की स्पीड क्या है, किस हिसाब से चलती है और इसका क्या एक्सपीरियंस रहेगा। ये देखिए इस टाइप से इसके कोचेज होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हमारा तो भैया थर्ड क्लास ही है। और इधर से शायद इधर से आएगी हमारी ट्रेन और जब आएगी आपको दिखाया जाएगा। जो पूरा स्टेशन है वो जो सामने खड़ी है वो नॉर्मल ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन है जैसे हमारे वहाँ होती है। और ये इस टाइप से बुलेट ट्रेन होती है, जब हमारी ट्रेन आएगी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों शायद हमारी ट्रेन आ रही है, ये सामने से आप देख सकते हैं कि हम ये पीली लाइन जो है हम इसके पीछे खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी ट्रेन है और हमारा कोच नंबर जो है वो 11 है। और देखना पड़ेगा कि हमारा 11 कहाँ है, 14 है और ये आ गया 13, ये आ गया 12 और हमें 11 में जाना है और हम खड़े भी 11 के सामने ही हैं और कोच नंबर 11 ये हमारा ही है, यही हमारा कोच है, इसलिए हमने जाना है। आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये गेट खुल चुका है, पहले जो उतरने वाले हैं वो उतरेंगे और उसके बाद ये हमारा नंबर लग गया अंदर जाने का। जा रहे हैं हम अंदर, अंदर से दिखाते हैं आपको। लीजिए ये हम अंदर आ गए हैं, हमारा सीट नंबर 12 है। ये शायद सीट नंबर है हमारा। दोस्तों ये ट्रेन चल पड़ी है, देखिए बुलेट ट्रेन, और बाहर का दृश्य देखिए कितना ही सुंदर है। दोस्तों ईयू शहर के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, ये पहली बार बुलेट ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए ये अंदर का दृश्य है, अभी आपको मैं पूरी ट्रेन घुमाऊंगा, टॉयलेट्स वगैरह दिखाते हैं इसके, तब तक आप ये देखिए। अभी दोबारा दिखाएंगे जब स्पीड ट्रेन स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। दोस्तों बहुत ही साफ सुथरी ट्रेन है, ये देखिए दोस्तों ट्रेन की स्पीड इस वक्त लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है ट्रेन। और ये बाहर के जो दृश्य हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए छोटे छोटे शहर बीच बीच में आ रहे हैं, ये लगभग सारा पहाड़ी एरिया है। ये देखिए साथ साथ में छोटे छोटे शहर भी चलते जा रहे हैं, ये टनल आ गई है और ये अंदर का दृश्य है। दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड मैं आपको दिखाता हूँ, इस ट्रेन की स्पीड देखिए, ये देखिए ट्रेन की स्पीड आएगी अभी, ये तकरीबन 270 किलोमीटर आ रही है इस वक्त, अभी 300 किलोमीटर थी। ये देखिए 11:15 हो गए हैं, बाहर का टेम्परेचर 25 है।
ये है हैंगजो डोंग रेलवे स्टेशन, जो ईयू के बाद पहला स्टॉपेज है। और देखिए ये सारी ही की सारी बुलेट ट्रेन्स हैं। और अभी टाइम हुआ है 11:36। ये पहला स्टॉपेज जो आया है ये लगभग 25 मिनट के बाद आया है। तकरीबन जिस ट्रेन में हम बैठे हैं, बुलेट ट्रेन में, इसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है दोस्तों। अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पीछे पूरी की पूरी ट्रेन। ये एक कोच है, कोच नंबर 11 है। और दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। दोस्तों यहाँ पर खाने का की जो व्यवस्था है इसमें बुलेट ट्रेन में, वो पेड है, फ्री में कुछ नहीं है। जो भी आप खाना चाहते हैं वो फ्री में नहीं मिलेगा ना, उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। मगर हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि खाना हमारे लायक नहीं है, हम खा नहीं सकते इसको, इसलिए अभी फ़िलहाल तो आराम से बैठे हैं, नाश्ता करके चले थे हम अपने होटल से। और दोस्तों अभी खाने का प्रोग्राम तो जो होगा वो शंघाई चलकर होगा। फ़िलहाल के लिए तो अभी आपको मैंने ये स्टेशन दिखाया है, और इसके बाद देखते हैं आगे किस स्टॉप पर रुकती है और फिर वहाँ पर आपसे भेंट होगी। बड़े शहरों में भी यहाँ पर इतना क्राउड देखने को नहीं मिल रहा है, सब एकदम एहतियात से चल रहे हैं। ट्रैफिक नियम भी बड़े दुरुस्त तरीके से लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों बहुत ही, मैं ये कहना चाहूँगा कि तरक्की पे है चाइना, हमसे कुछ आगे है, लेकिन मैं डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ अपने देश को, लेकिन फिर भी हमसे कुछ आगे है। और दोस्तों जो हमने टिकट ली थी बुलेट ट्रेन की, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से होती है टिकट। ये टिकट हमें मिली थी, हमने ये अपने होटल से ही ले ली थी, कुछ थोड़े से उन्होंने अपने चार्जेस लिए हैं, लेकिन ये टिकट हमें उन्होंने वहीं पर प्रोवाइड करवाती थी होटल पर। लेकिन ये ज़्यादातर होता क्या है, अगर मान लीजिए अगर आप कई बार चाइना आ रहे हैं और आप बुलेट ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं, दोस्तों आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये टिकट स्टेशन पर आके आपको मिलती है। उस जो हमारे पास पेपर टिकट होती है उस पर हम सफ़र नहीं कर सकते, ये टिकट और पासपोर्ट हमें काउंटर पर दिखाना पड़ेगा। जिस भी आप स्टेशन से सफ़र करना चाहते हैं, वो ये देखने के बाद टिकट वो इशू करते हैं, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है। तो आपको यही मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस गलतफहमी मत रहना कि जो टिकट आपने ऑनलाइन आपने बना ली है उस पर आप सफ़र नहीं कर पाएंगे बुलेट ट्रेन में। आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट प्लस जो रिजर्वेशन है वो दिखानी पड़ेगी, तो ये टिकट इशू होती है। और ये टिकट लेकर फिर आप अंदर एंटर कर सकते हैं। और ये टिकट जब आप एंटर करते हैं तो आपके पास ही रहती है, जब आप एग्ज़िट करेंगे तब ये उस काउंटर में ही रह जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बस यही कहना चाहता था, बुलेट ट्रेन के बारे में मैंने आपको कहा था।
मैं फिर आपको कह रहा हूँ दोस्तों, ये स्पेशली स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया था कि आप लोग देख सकें। अगर मैं चाइना आया ही हूँ, चलो आपको भी इसके दर्शन करा दीजिए आए और मैं भी इसका एक्सपीरियंस ले सकूँ। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होगा, और फिलहाल तो यही मैं कहना चाहता था। फिर अब जो हम जा रहे हैं शंघाई का होंगक्यू रेलवे स्टेशन है। मैं और शेयर करना चाहता हूँ, मैं अभी तक जहाँ से भी सफ़र कर रहा हूँ दोस्तों, ग्रीनरी बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। अगर शहर में कहीं भी कोई खाली स्थान है तो वहाँ पर भी उन्होंने घास उगा रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कहीं भी खाली नहीं छोड़ रखा, ग्रीनरी को बहुत महत्व दिया है इन लोगों ने। और पेट्रोल डीजल की कारें इतनी नहीं हैं, सब इलेक्ट्रिक कारें ही चल रही हैं, और स्कूटर वगैरह तो मैं नहीं मानता कि पेट्रोल पे चलते होंगे, सब इलेक्ट्रिक ही हैं, और लोग ये साइकिल पर ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये देखिए सर, ये देखिए ग्रीनरी कितनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पूरा ग्रीनरी है, पूरा का पूरा एकदम ग्रीनरी चल रही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर हमें कहीं खाली स्थान दिखाओ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको शंघाई।